अखिलेश यादव का ट्वीट सामने आया है और इस दौरान बीजेपी पर उन्होंने जमकर निशाना साधा है। तो आपको क्या ट्वीट में लिखा गया है अखिलेश यादव ने ये बता देते हैं। उन्होंने लिखा है कि बीजेपी को कोई ऐसा चश्मा दे जिससे मणिपुर दिखाई दे, शर्मसार हुई बहन बेटियों का मणिपुर उन्हें दिखाई दे, इस तरीके का चश्मा उनको दिया जाए। तो ये ट्वीट कर अखिलेश यादव ने निशाना साधा है। आपको बता दें कि लगातार बीजेपी पर तमाम विपक्षी जो दल है वो निशाना साध रहे हैं। मणिपुर के मामले को लेकर बीजेपी को घेरने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। लेकिन इसी बीच अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है और ये कहा है कि बीजेपी को कोई ऐसा चश्मा दे जिससे उनको मणिपुर दिखाई दे। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने कहा है कि शर्मसार हुई बहन बेटियों का मणिपुर बीजेपी को दिखाई दे, इस तरीके का चश्मा उनको दिया जाए। ये ट्वीट करके अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है, क्योंकि मणिपुर का मामला और इस मामले को लेकर लगातार विपक्षी हमलावर है। अश्विनी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अश्विनी, अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा है और ये कहा है कि बीजेपी को ऐसा चश्मा पहनाया जाए ताकि उनको मणिपुर दिखे। लेकिन उसकी पार्टी का परिणाम है क्योंकि उसमें ढाई घंटे का समय चर्चा को मिलेगा और ढाई घंटे में मात्र एक घंटा ही विपक्ष को मिलेगा। विपक्ष में तमाम पार्टियां, तो ऐसे में सभी लोग बोल नहीं पाएंगे। निश्चित तौर पर जो रूल है उसको परिवर्तित करके ज्यादा समय दिया जाए जिससे चर्चा हो सके। निश्चित तौर पर यही पेच वहां फंस रहा है। साथ ही साथ अगर बात करें तो प्रधानमंत्री के को लेकर के भी हो रहा है कि प्रधानमंत्री संसद में आकर बोले, लेकिन हालांकि प्रधानमंत्री ने अपना बयान पहले ही दे दिया था कि ये जो घटना है बहुत विवश घटना है और इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही साथ आगे इस तरह की घटना ना हो इसका ध्यान सभी सरकारें रखें। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अपने जो सरकार थी मणिपुर की, उसको मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर संकेत दिया था कि इस सरकार जो केंद्र सरकार है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने वाली। लेकिन सबके बावजूद विपक्ष पार्टियां जो एकजुट होकर के इस मुद्दे को भुनाना चाह रही, कहीं ना कहीं राजनीतिकरण बेहतर ढंग से इसमें किया जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से देखा गया मणिपुर की घटना हुई, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, तमाम अन्य पार्टियां हो या समाजवादी पार्टी हो, लगातार कुछ ना कुछ कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है सिर्फ ये जो पार्टियां हैं सोशल मीडिया तक है क्यों सीमित हैं, सड़कों पर क्यों नहीं उतर रही। आकर आखिरी वाकई में मणिपुर की घटना से इनको चिंतित करने वाली है, हालांकि वो चिंतित करने वाली है सभी, इसको कोई नहीं नकार सकता, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हैं विपक्ष के लोग। लेकिन अगर वाकई में इतनी चिंता सता रही तो सड़कों पर उतर के क्यों प्रदर्शन नहीं किए, क्यों सोशल मीडिया तक ही ये प्रदर्शन सीमित क्यों रह रहा है। निश्चित तौर पर ये जनता लखनऊ की हो या प्रदेश की जनता सवाल जरूर करती है कि आखिर अखिलेश यादव है सड़कों पर क्यों नहीं उतरते, क्योंकि अगर उनके अनुसार ये घटना बहुत बड़ी है तो क्यों ना सड़क पर उतर के सरकार का विरोध किया जाए जिससे सरकार को भी बैक फुट पर आना पड़े। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे तमाम अन्य राज्य हो, इस मुद्दे को लेकर कोई भी विपक्षी पार्टी सड़क पर उतरने तैयार नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है सिर्फ ट्विटरबाजी चल रही है। कल फिर एक बार ट्वीट करके जो अखिलेश यादव ने सवाल पूछा कि चश्मे को लेकर कहा है कि चश्मा लाया जाए, निश्चित तौर पर सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष जो है जो भूमिका निभाना चाह रहा उस भूमिका को भी सही ढंग से नहीं निभा रहा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आज सरकार है वो हालांकि अपनी जो नीतियां जो काम होता है उसको लेकर के लगातार लगा हुआ है। हालांकि जो मुख्यमंत्री हैं मणिपुर के, उन्होंने भी इस खामी को माना कि उनसे गलती हुई, उनकी सरकार से गलती हुई है, कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई। हालांकि लेकिन इन सब के बावजूद भी विपक्षी पार्टियां हैं वो एकजुट के कहीं ना कहीं इसको राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहती है और उसी के तहत चाहे संसद हो चाहे बाहर हो हर जगह हंगामा करने की कोशिश कर रहे हैं। जी